हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में खरीफ की फसलों के लिए 2 दिवसीय वर्चुअल कृषि मेला आज से शुरू हुआ। इस बार मेले का मुख्य विषय फसल विविधीकरण रखा गया है। मेले का ऑनलाइन उद्घाटन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर ए.के. सिंह ने किया। 2 दिवसीय कृषि मेले को ऑनलाइन देखने के लिए देश भर से करीब 50,000 किसान पंजीकरण करवा चुके हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने बताया कि मेले में ऑनलाइन ही विभिन्न फसल विशेषज्ञों द्वारा किसानों के सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। नहीं देख पाते तो वो 1 महीने तक वो अपलोड रहेंगे, तो वो कभी भी जब भी उनको समय मिलेगा वो वहाँ पर देख सकते हैं। और आज ये भी एक प्रोविजन हमने सीधा किया है कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो सीधा किसानों के साथ जुड़ेंगे। अपने जितनी भी तकनीक हैं जो किसानों के लिए हम रिकमेंड करते हैं, सिफारिश करते हैं, उसके बारे में बताएंगे और किसान उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कुलपति ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक किसानों को प्रेरित करें कि वे नई तकनीकों को अपनाएं ताकि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य प्राप्त हो सके। मेले के मुख्य उद्देश्य हमारा, क्योंकि इस बार थीम भी है इस मेले का कि फसलों में विविधीकरण, क्योंकि आज ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एक तरह तो हम बात करते हैं कि हमारे किसानों की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, और क्योंकि लगातार धान गेहूं फसल, कपास गेहूं फसल लेने से कुछ कमियां इस सिस्टम में आ गई हैं, जैसे कि पानी काफ़ी नीचे चला गया है, भूमि की उपजाऊ शक्ति घट गई है, वातावरण दूषित हो रहा है और आमदनी भी किसान की नहीं बढ़ रही। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पानी को बचाने के लिए, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए और वातावरण को शुद्ध करने के लिए, और दूसरा सबसे बड़ी बात आमदनी बढ़ाने के लिए विविधीकरण, मतलब दूसरी फसलों पर हमें किसानों को हम प्रोत्साहित करते हैं।